सागर जो बुंदेलखंड है, गोंडवाना, नरसिंहपुर जिला, छिंदवाड़ा जो टोटल ट्राइबल एरिया है, वहां से होते हुए नागपुर यदि रेल लाइन जुड़ जाती है, आपको बता दें कि इसका सर्वे सबमिट हो चुका है और इससे दूरी इतनी कम हो जाएगी कि रेल की जो लागत है वो कुछ ही समय में वसूल हो जाएगी। दक्षिण तक जाने के लिए अभी हम रेल से नागपुर जाते हैं 12 घंटे में, यदि ये लाइन बनती है तो हमारे स्थान से 3 घंटे में हम नागपुर पहुंच सकते हैं। 500 गांव इससे जुड़ते हैं। बहुत लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही है, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार इस पर त्वरित निर्णय ले। बहुत बड़े 5% आबादी तो बुंदेलखंड की है और गोंडवाना, यहाँ के 500 से अधिक गांव इससे जुड़ेंगे, इनका विकास होगा। आपके माध्यम से ये समस्या, सरकार इस पे कोई कारगर कदम उठाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री प्रोफेसर राम गोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने और सभी संसद सदस्यों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए उठाना चाह रहा हूँ कि देश बहुत तेजी से नैतिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। जिनको भारतीय संस्कृति से स्नेह है, जिनको भारतीयता से स्नेह है, उन सब की तरफ, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उन सबको इस बात की चिंता है जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में और मैगजीन्स में विज्ञापन छापे जा रहे हैं, जिस तरह से अश्लीलता का भोंड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से ऑब्सिनिटी और वल्गैरिटी लगातार बढ़ रही है, इससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हम जब न्यूज सुनते हैं तो वो भी, उसके बीच में भी ऐसे विज्ञापन आने लगते हैं कि हम परिवार के साथ बैठकर न्यूज भी नहीं सुन सकते। ये गंभीर चिंता का विषय है। सर, लंदन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हिस्ट्री के प्रोफेसर अर्नल टॉयनवी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में कहा कि देश में, दुनिया में बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं, उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद एक किताब लिखी है कई वॉल्यूम्स में, जिसने सिविलाइजेशंस पर जब लिखा तो कहा कि उनका डिसइंटीग्रेशन जो हुआ उसमें दो मुख्य रूप से कारण थे, न्यूडिटी एंड एल्कोहलिज्म, और ये दोनों ही फैक्टर हिंदुस्तान में बहुत तेजी से पनप रहे हैं। और दुर्भाग्य से हम सब जिम्मेदार भी हैं, हम भी जिम्मेदार हैं कि हमने इस स्थिति ऐसी हो गई है कि हमने 377 और 497 जैसी धाराओं को IPC धारा दी, अननेचुरल ऑफेंसेस और एडल्ट्री को लीगलाइज कर दिया। हमने तब भी विरोध किया था कि इससे सहमति मत कराइए, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। और न्यूट्री की स्थिति तो ये हो गई है, ऐसे दिखाते हैं कि रैंप पे चल रहे हैं, कैट कौन सा पाक होता है करते हैं और अंडर गारमेंट्स खिसक जाते हैं। इट इज ऑल डेलिबरेट। ये लड़कों के मन में जो मानसिक विकृति पैदा हो रही है, जो जिसकी वजह से महिलाओं पर और लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण इसका ये भी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से और IB मिनिस्टर से खासतौर से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर पाबंदी लगाइए। आपने 370 हटाने का वादा किया था और 377 हटा दी। ठीक है, जरूरी है कि आप इस पर पाबंदी लगाएं और देश को बचाएं, संस्कृति हमारी सभ्यता। धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रकाश जी, यू वांट टू से एनीथिंग? सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को रामगोपाल जी ने रखा है, तो इसके बारे में हम विचार कर ही रहे हैं कि अभी जो मशीनरी है उसके द्वारा ऐसे 6,700 कंप्लेंट्स का निपटारा किया गया है और बदलाव किए गए, फिर भी और इफेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत मैं मानता हूँ। ठीक है।